वन्दितो सौवसिते गोमचरमोहगदिं तत्ते ओच्छामि सहायकाय वस्तु व्यवस्था को बनाने वाले ये जो समय सार के कलश हैं और उन कलशों पर जो बनारसी दास जी ने भावानुवाद किए हैं वो अपन थोड़े चर्चा में ले रहे हैं और उसमें वस्तु व्यवस्था के कुछ अकाट्य नियम बताए। अकाट्य नियमों में क्या था, एक द्रव्य दो परिणाम नहीं करते और दो परिणाम एक द्रव्य के नहीं, एक द्रव्य दो कार्य नहीं करता और दो द्रव्यों का मिलकर एक कार्य नहीं होता। जड़ चेतन अपने अपने रूप में परिणमित होते रहते हैं। ख्याल में ये वस्तु व्यवस्था का अकाट्य सत्य है। अब इसके अलावा जो भी है वो सब मिथ्या। मैंने तेरा किया तू मेरा करे, अरस परस बराबर। अगर सही श्रद्धान के साथ में है तो व्यवहार और सही श्रद्धान के बिना है तो मिथ्या। क्या बोला, ये लाइन समझ, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात कि अगर ये जगत की जो बातें हैं जो हम कहते हैं या जो देखते हैं या जो व्यवहार में प्रसिद्ध हैं वो अगर निश्चय के साथ में हो तो व्यवहार, और निश्चय का आभास भी ना हो तो ये व्यवहार ही नहीं है, ये मिथ्या। मतलब व्यवहार को व्यवहार भी निश्चय बनाता है। पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया। भोजन में आप मिर्ची खाते हो और अगर भोजन के साथ मिर्ची, आज मरचू नहीं ना क्यों बराबर नहीं ठीक से, तो मरचू पण खवाए केम, भोजन छे माटे। अरे कोई कहे कि तुम्हारा घरे जाओ पंडित जी, बोले तुम्हें 10 ग्राम आम समझो 100-250 ग्राम तो खाओ छो, एम 2-5 ग्राम तो मरचा हसे ना, बाकी कहीं नहीं, 5% भोजन करा भी दी तुमने, चलो मरचा खाई ली। तो भोजन भोजन होगा कि श्राप होगा? समझ में आया? ऐसे ही ऐसे ही निश्चय के साथ में जो ये बातें हैं कि भाई अरस परस रखना चाहिए, एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए, तुम्हारा काम मैं कर दूँ, मेरा काम तुम कर दो, ये सब बातें अगर निश्चय के श्रद्धान के साथ में हैं तो ही व्यवहार नाम पाती है। और अगर इनके साथ में निश्चय का श्रद्धान नहीं है तो मिथ्या। फिर वो होता है, देखो मैंने उनको इतना किया और आड़े वक्त पे मैं काम नहीं है, हम उनके लिए दौड़ दौड़ के टिफिन लेकर जाते थे, उन्हें एक बार नहीं पूछा है, हम उनकी खबर काटने गए वो हमारे यहाँ खबर काटने नहीं है, उनके 10वीं के एग्जाम में बच्चों को कैडबरी देने गए वो हमको एक जरा सी टॉफी देने नहीं है, रुपया की टॉफी देने। अब ये सब बात है, हमने उनको 501 का चांदला किया उन्हें 101 का घर दिया। और विचारो जरा, खासकर माताओं बहनों के विचार बहुत ज़्यादा रहते हैं, इसीलिए खास कह रहा हूँ। ये 10, 50, 100 परचूरण की चीज़ों के पीछे कितनी नरभव की अमूल्य वस्तु बिगड़ती। व्यवहार बोझ बन गया है लोगों को, व्यवहार बोझ बन गया है। क्यों? क्योंकि व्यवहार को समझ नहीं। अगर व्यवहार निश्चय के साथ होता ना तो बोझ नहीं बनता, सहज होता। अरे भाई कौन किसको क्या करे, कौन किसको, वो तो जो कर रहा है जिस जिस समय जैसे परिणाम उसके पुण्य के उदय से ऐसे भाव मुझे आते हैं। है? किसी को क्या कहते हैं भोजन कराने का भाव हो, किसी को कुछ देने का भाव हो, किसी की सहायता करने का भाव हो, ज्ञानी ऐसा करता रहता है। बहुत सही बताओ ना, ज्ञानी का जीवन तो एक कला है,
कि तमाम प्रकार से व्यवहारिक शुष्कता उसके जीवन में कहीं दिखती नहीं और परमार्थ का श्रद्धान उसके अंदर में बराबर पड़ा हुआ रहता है। सेवा भी करता है, आदर भी करता है, सहयोग भी करता है, तन मन धन से जिस प्रकार से भी हो सकता है वो करता है, लेकिन कभी ये नहीं करता कि भाई मैंने किया मैंने, अरे उसके पुण्य का उदय था उसके अनुसार ऐसे भाव। और न्याय भी है एक बात कि अगर मुनिराज को आहार मिलना होता है तो उनको भाव आ जाते शावकों को, और जो नियम वहां लग रहा है वो यहाँ पे लगेगा। अगर धन का लाभ पुण्य के उदय से होना होता है तो किसी के भी द्वारा होता है वो पुण्य के उदय होगा, चाहे नौकरी से हो, चाहे थर्ड पर्सन से हो, चाहे मतलब ये नियम ज्ञानी समझता है मैं तो क्या हूं इसकी होनार में नहीं, मैं अपने विकल्प का उपादान करता और तद अनुसार उसका निमित्त उसका पुण्य का होता है, ऐसा सहज है तो उसके लिए कभी व्यवहार बोझ नहीं, सहज रहता है वो उस मतलब बहुत सारे लोग तो ट्रैक रिकॉर्ड में ही जीते हैं गड़े मुर्दे में, और जब भी कोई विपत्ति आती है वो पूरी फाइल लेकर ही बैठे रहते हैं, किसने फोन किया, कौन देखने आया, कौन टिफिन लाया। लोग तो आत्मा ज्ञानी देव और आत्मा की भिन्नता का विचार करे वो लिस्ट लेकर बैठा होता है, कितनों के फोन आ गए खबर पूछने के लिए, एक कितनों के टिफिन आए, कितनों की सहायता आई, फिर अकाउंट बैलेंस करता है, मैं इनके लिए लेकर गया था, मैंने इनकी खबर पूछी थी, मैंने फोन से पूछी थी तो मैं डायरेक्ट गया था, मैं ऐसा किया था। अब वो पूरी टाइम देव और आत्मा की भिन्नता तो एक साइड रही, ये व्यवहार के चेक बैलेंस में लगा रहता है। होता कि नहीं होता है ऐसा, और फिर उसके अनुपात में मिला क्या दुख ही मिला, क्योंकि व्यवहार कितना भी करने जाओ चूकता तो है ही, किसका नहीं। अब आप कोई भी प्रसंग, जैसे मेरे से तो ज्यादा प्रसंगों के अनुभव आप लोगों को होंगे, मुझे तो कम है, एक आधे किया है बराबर, लेकिन कितना आप सोच सोच के करो कि कोई गड़बड़ी ना हो, कोई गड़बड़ी ना हो, कोई गड़बड़ी ना हो। जैसे मेरे मकान की ओपनिंग था ना, बेचारे सबको बोला और लक्ष्मण भाई को बोलना रह गया, और लक्ष्मण भाई नाराज हो गए, आपने बोले ही नहीं तो हम आए कहाँ से, मैंने बताओ। पहले बोल देते तो आ जाते, बात उसकी गलत नहीं थी, सही बात है, एक बार बोलना चाहिए दुनिया भाई, कान पकड़ लिया और क्या करे। ख्याल में एक छोटी सी बात है, लेकिन एक बता रहा हूँ कि अब कितना भी विचार करो तो भी चूक तो रहती है, अब क्या करें, रहती है तो रहती हो जाती है, हम पर नहीं परफेक्ट बराबर ख्याल में, लेकिन वो पर्याय की बात है। मुद्दा क्या, कहने का मतलब ये था कि अभी आप निश्चय की दृष्टि रखोगे तो काफ़ी सहजता जाएगी, और व्यवहार की दृष्टि रखोगे ना तो चूक जाओगे, क्योंकि व्यवहार चूको ऐसे ही इतनी ज़्यादा चीज़ें संभालनी पड़ती हैं ना, उसमें व्यक्ति संभाले, व्यवस्था संभाले, आव भगत संभाले, इतना ज़्यादा होता है कि चूकना क्या चुक। अब जो ज्ञानी होता है वो उसको माइंड नहीं करता, अपनी भूल को भूल तो मानता है, लेकिन अब ठीक है, और अगर दूसरे की भूल हो उसको तो और भी नहीं गिनता, ठीक है भाई हो गया होगा, इतने सारे काम हैं भूल गया, वो उसको दिमाग पे नहीं देता। और अज्ञानी वो तो बस इसने मैं जा रहा था तब बाय नहीं बोला, अब दोबारा घर में नहीं जाऊंगा। मतलब अगर आपकी शादी में या कोई प्रसंग में कोई आया और आप जाते टाइम पर उसको बाय नहीं कह पाए, कुछ कारण से आप भूल गए, तो ग्रंथी बांध लेता है और क्या कहता सू समझे छे एम हमें एना करे अनादि के संस्कार में एक और बड़े, ऐसा होता है। और अधिकतर हमारा जीवन ऐसे कभी मैं मतलब जितना मेरा व्यवहारिक जीवन का अनुभव है उसका सार बता रहा हूँ, बाकी मैं बहुत ज़्यादा पचड़े में पढ़ा नहीं बराबर, और पढ़ना चाहता भी नहीं, लेकिन जब भी कोई जैसे व्यक्ति मिले हैं, संबंधी मिले हैं, तो जब जो पेट भर के बातें करते हैं ना तो ऐसे ही बातें करते हैं।
पेट जमेगा, अच्छे से बातें नहीं की, अच्छे से बातें। और जब जब भी वो कोई कहे कि अच्छे से बातें करना, तो अच्छे से बातें करने का मतलब पेट भर की, यहाँ की वहाँ, वहाँ की यहाँ, वहाँ की यहाँ, ये कर करके पूरा करना, तब पेट भरता है, नहीं तो नाश्ता पानी कर करके उठ जाते। समझ में आया? इसलिए ऐसी अच्छी बातें मत करो, थोड़ी समय सार की कड़वी बातें कर लिया करो, अच्छा रहेगा। है समझे कि नहीं समझे? व्यंग अर्थ में। हाँ हाँ चल, तो ये बात सिद्धांत किसके लिए बोला था कि जिसे निश्चय की समझ होती है उसका ही व्यवहार व्यवहार होता है, और जिसे निश्चय की समझ नहीं है उसका व्यवहार व्यवहार नहीं है, मिथ्या। और ऐसा व्यवहार हमारे जीवन में बोझ रूप हो गया। इस भाव में व्यवहार को बोझ रहे धो रहे, और उस व्यवहार के कारण जो कर्म बंध रहे, व्यवहारिक विपरीत मान्यता के कारण, व्यवहार से कर्म नहीं बनते, लेकिन व्यवहारिक विपरीत मान्यता के कारण जो कर्म बंध रहे हैं वो आप भवो भवो तक ढोते, इतना समझते हुए चलना। तो ये बात जो कही कि भाई एक द्रव्य बाकी सब व्यवहार, परमार्थ यह है कि अपने स्वभाव से कोई हटता नहीं और पर के स्वभाव में कोई डटता नहीं। क्या समझे? अपने स्वभाव से कोई हटता नहीं है और पर के स्वभाव में कोई डटता नहीं है, तो हमें डटकर मिथ्यात्व को हटाने का प्रयास करना। बराबर समझेंगे? यही चीज यहाँ पे बताई गई है। आगे का एक 55वें नंबर का कलश है, 55-56 नंबर के कलश, वो भी अच्छे हैं, ले लेते हैं। एक एक प्रकरण में संबंधी ये भी हैं, ये लूँ कि बनारसी दास जी का ले लूँ? बनारसी दास जी से ले ले थोड़ी मधुरता से, लेकिन आप लोगों के पास ये है, कोई बात नहीं, दोनों ले लेते हैं। आसंसारतेव धावति परम कुर्वे महम मित्युच्चकै दुर् आसंसारत मित्युच्चकै दुर्वारं ननु मोहिनामि महा हंकार रूपं तमः। तद्भूतार्थ परिग्रहेण विलयं यद्येकवारं व्रजेत् तत् किं ज्ञानघनस्य वन्दनमहो भूयो भवेदात्मना। देख, अपन यह सीधा श्लोक अर्थ लेते हैं आपकी सरलता के लिए। 107 आ जगत मां मोही जीवों ने पर द्रव्य ने हूँ करूँ छू एवा पर द्रव्यना कर्तृत्वना महान अहंकार रूप अज्ञान अंधकार छे के जे अत्यंत दुर्निवार छे। कितनी स्पष्ट बात कही दीवा जेवी बात छे। जो अंधकार में दीवा जेवी बात है पर आ अंधकार स्पष्ट जणाय छे एम, अने अंधकार जणाय छे ए प्रकाशना अभाव ने जणावे छे। खबर पड़ी? वात दीवा जेवी छे, स्पष्ट छे, देखाय छे, पण ज्ञान नो दीवो होत तो अज्ञान नो अंधकार ना।
અને અજ્ઞાનનો અંધકાર દેખાય છે એ એમ બતાવે છે કે જ્ઞાનનો દીવો પ્રગટ્યો નથી. ખ્યાલમાં આવે છે? સમય સાર ગજબ હે ભાઈ સાહેબ. કે દેખો કર્તૃત્વ બઢને મેં ટાઈમ નહીં લગતા. एक्चुअली बढ़ने में टाइम क्या कितना बढ़ेगा? अनंतानुबंधी का कर्तापना तो हम लेकर बैठे हैं, बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा? कसाई का नाम ही अनंत है. अब अनंता अनंतानुबंधी थोड़ी हो बोल. कर्तृत्व का बोझ, कर्तृत्व का अहंकार, कर्तृत्व का अज्ञान किस हद तक है हमारे अंदर? और एक में नहीं, कूट कूट कर भरा. मैंने किया, मैंने जितना भी क्या कहते हैं कषाय होते ना, कषाय जितने भी कषाय होते हैं, क्रोध हो तो भी कर्तृत्व को लेकर होता है. मैं ऐसा कर दूंगा, सीधे सीधे नहीं करेगा तो क्या क्या समझता है? मतलब मैं कर दूंगा तो गुस्सा करके कराएगा. क्रोध भी कर्तृत्व को लेकर होगा. मान भी मैंने किया, मैंने किया, माथा चढ़ गया, कंधे ऊंचे हो गए, कर्तृत्व को लेकर होगा. कपट, अरे अरे ऐसा नहीं, मैं उसको ऐसा घुमाऊंगा तभी ऐसा कर देगा. सीधा सीधा बोल के नहीं, आड़ा टेढ़ा बोल के, इसमें भी क्या है कर्तृत्व. लोभ, मैं ऐसा करूंगा तो मुझे मिलेगा लोभ. यानी अगर आप गंभीरता से देखोगे तो सारी कषाय कर्तृत्व भाव से निकलती है. और जो व्यक्ति कषायों को दूर करने की कोशिश करना चाहे लेकिन कषायों का मूल कारण कर्तृत्व रूप मिथ्यात्व भाव है, उसे दूर ना करे तो कैसे कषाय दूर कर पाएगा? है? जगत में एकमात्र धर्म ऐसा जो कण कण की स्वतंत्रता और अकर्तावाद का जगत में नाद करता है, ढिंडोरा पीटता. आज सारे जगत में सब धर्मों में जहां कर्तृवाद की बात है, कर्तापने की बात है, कर्तापने की बात है, वहां मात्र एक जैन धर्म ही ऐसा है जो अकर्तावाद को इस हद तक मानता है कि ईश्वर को भी कार्यों में शामिल. बहुत बड़ी बात. बाकी सारा जगत, सारे धर्म, सारे दर्शन, सारी जिम्मेदारी किसको सौंप देते हैं? ईश्वर के ऊपर सौंप देते हैं. जैन धर्म का नहीं, नहीं कोई करता नहीं. और करता माने सुमिथ्या, करता माने सुमिथ्या. ऐसा तो हमें जगत के कर्तृत्व की तो बहुत ज्यादा नहीं है चिंता. उस जिसकी तो मिथ्या 6 महीने 8 समय में 608 ही जाने वाले हैं, तो जगत के कर्तृत्व की तो बहुत चिंता नहीं है. लेकिन अपने अंदर में जो कर्तापने का भाव है उसको जरूर मूल से सिरे से ख़त्म करने की जरूरत. और उसके लिए एक ही चीज़ है, कर्तापना कोई बाहर नहीं है, किसी के कहने में नहीं है. हैं, अगर हमने किसी से व्यवहार से कहते कि तुमने घणो सारू करो भैया, तो एनाथी कर्तापनों घुसी न जतो. कर्तापना मान्यता में कहाँ पर है? मान्यता. देखो तो इस जगत में मोही जीवों, कौन से जीवों को? मोही जीवों. परद्रव्य ने हूँ करूँ छू, हूँ करूँ छू, हूँ करूँ छू, हूँ करूँ छू, एवो केवो छे महा अहंकार रूप अज्ञान अंधकार छे. केवो अहंकार नो भाव. અને એ અહંકારના ભાવમાં કેવો છે? અજ્ઞાન અંધકાર છે. અંધેરે મેં કિસી કો કુછ નહીં દિખાઈ દેતા. પથ્થર ભી પડા હો, સોના ચાંદી ભી પડા હો, હીરે મોતી ભી પડે હો, કમરે મેં અંધેરા હો, ક્યાં દિખાઈ દેગા ભૈયા? ઓર અંધેરે મેં આપકો સિલેક્શન કરવાના પડે, કોઈ એક વસ્તુ કો છૂના હો. આપ પથ્થર લે લો ચાહે સોના ચાંદી લે લો, पहले तकाश करो. उद्यम तब होगा
जब प्रकाश होगा, अंधेरे में उद्यम भी कैसा होगा, यही हो रहा है। अभी पर्यूषण या उसकी आराधना चालू हो रही है, हो रही कि नहीं हो रही? कल श्वेतांबरों में तो ऑफिशियली स्थापना हो गई चौमासे की, अपने आप ही अष्टानी का महापर्व चल रहा है, सब उद्यम करवा रहे, धर्म करो धर्म करो धर्म करो धर्म करो, कहीं विधान चल रहे हैं, कहीं पूजने चल रही हैं, कोई उन्हें रस छोड़ दिया, कोई उन्हें किसी ने कुछ छोड़ दिया, कुछ कर रहे हैं, कोई कुछ कर रहे, सब कर रहे हैं। सबसे बोलो भाई कर रहे हो कोई बात नहीं, मगर कर सकते हो कि नहीं कर सकते ये तो निर्णय करो। मतलब मैं नहीं कर सकता इसका चिंतन करना उन्हें धर्म नहीं लगता, क्या समझे? मैं नहीं कर सकता इसका चिंतन करना उन्हें धर्म लगा, वो कहते फालतू लगता, धर्म नहीं लगता। और मैंने प्रतिक्रमण किया, मैंने रसों का त्याग कर दिया, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, कर दिया कर दिया कर दिया, ये धर्म लगता। ये लगभग वही बात है कि अंधेरे में चुन रहे हैं, च्वाइस थी है? कि तुम हीरा मोती सोना चांदी लेकर आ सकते थे, लेकिन तुमने प्रकाश करने की जहमत नहीं की और हाथ उठाए और जो हाथ में आया बोले आए, तो तुमने अंधेरे में चुना, सोचा था सोना होगा वो पत्थर नहीं। ये हो रहा है, पूरी जिंदगी अंधेरे में चुनते हैं धर्म के नाम पर और हाथ में पत्थर आता है और अहंकार पूरा हो जाता है कि मैंने बहुत। अरे भाई सबसे पहले छोड़ने लायक कोई चीज है तो ये छोड़ने लायक चीज है कि मैं कोई चीज छोड़ सकता हूं, ये समय सार सिखा रहा है। लोगों को नहीं समझ में आता ये बात, मैंने इसका त्याग कर दिया, मैंने उसका त्याग कर दिया, मैंने फलाना त्याग कर दिया, ये त्याग कर दिया त्याग कर दिया त्याग कर दिया, पूजन कर दी, प्रतिक्रमण कर दिया, ये कर दिया कर दिया कर दिया, त्याग कर, हर ये करते तो इतना प्रबल होता है कि प्रभु तू पहला पाठ भूल गया, कौन सा? कि भगवान आत्मा किसी का त्याग कर सकता नहीं। और जगत में जिनका तुम त्याग बोलते हो गौर से देखो वो तुम में है कहां, और जो तुम्हारे अंदर में है उसको तुम छोड़ कैसे सकते हो? ज्ञान को छोड़ोगे, दर्शन को छोड़ोगे, स्वभाव को छोड़ सकते हो? सब जीवों का उपदेश यहां पे चालू हो गया, ये छोड़ो वो छोड़ो छोड़ो छोड़ो। अरे भाई छोड़ सकता हूं छोड़ सकता हूं छोड़ सकता हूं, पहले मान्यता छोड़ो, आत्मा की परख करो। छोड़, जिनको आत्मा की परख नहीं समझ नहीं और छोड़ने छोड़ने की बात करते हैं उनका पूरा छोड़ना अहंकार में कन्वर्ट हो जाता, वो हर जगह अपना ट्रैक रिकॉर्ड लेकर घूमते रहते हैं, मैंने ये नहीं किया मैंने वो नहीं किया मैंने ये नहीं किया मैंने वो नहीं किया। अरे प्रभु आत्मा का अनुभवन किया नहीं, वो क्या होता है, तो सब पानी। समझ में आया? तो सबसे पहले क्या करो, ये आराधना के दिनों में चातुर्मास के दिनों में सबसे पहले जो गले तक हमारे अंदर में मान्यता भरी है कि मैं ये करता हूँ, अहम करोति अहम करोति अहम करोति, ये अहंकार की मान्यता को छोड़ो, ये जो महान अज्ञान का अंधकार है, महान अज्ञान का अंधकार, इसको इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता ऐसा ज्ञान दीप करो। मैं कर सकता हूं मैं कर सकता हूं ये अंधकार है, हम नहीं कह रहे, यहां लिखा है कलश में पढ़ो, कौन सा अंधकार बोला, कौन सा अंधकार बोला, अहंकार रूप, अहंकार रूप मतलब, अहंकार मतलब क्या, अहम करोति मैं करता हूँ, मतलब क्या, अलग अलग प्रकार के, मैं दुकानदारी अच्छे से करता हूँ,
मैं घर गृहस्थी अच्छे से संभालता हूँ, मैं धर्म अच्छे से करता हूँ, और धर्म में तो फिर बहुत कुछ करता हूँ, ये सब करता पने भी चौक नहीं लगा, अंधकार समलो सुधरो अज्ञान। और जब तक आप ज्ञान का प्रकाश नहीं करोगे तब तक आप सिलेक्शन कैसे करोगे। सिंपल वस्तु मैंने आपको कही, अंधेरा कमरा था, आपको चॉइस थी कि आपको चुनकर लानी है कोई वस्तु, उसमें विष्ठा भी थी, उसमें पत्थर भी थे, उसमें रत्न भी थे, उसमें खेलने कूदने सब चीजें थी, आपको चुनने का अवसर था, लेकिन आपने स्विच चालू करने की हिम्मत नहीं की, दिया जलाने की कोशिश नहीं की। अब क्या करोगे, जो हाथ में आएगा लेके भाग जाओगे, फिर कहेगा हमारे तो नसीब खराब, हमने तो इतना किया तो भी हमारे लिए कुछ नहीं मिला है? क्यों मैंने किया, मैंने किया नहीं भाई, तुमने कुछ नहीं किया, तुम कुछ कर सकते हैं। सबसे पहले ज्ञान दीप जलो, और जब ज्ञान दीप जलेगा तो पता चलेगा ओहो हो, चैतन्य विनायक भगवान आत्मा अनादि से पर को क्या, पर पर्यायों को भी ग्रहण नहीं करता, तो अन्य किसी को जब ग्रहण ही नहीं किया तो त्याग किसका होगा? फिर लोग कहते अरे साहब ऐसी बात करोगे तो पूरा व्यवहार खत्म हो जाएगा। अरे व्यवहार खत्म नहीं होगा, व्यवहार जीवन तो होगा, व्यवहार तो तुम खत्म कर रहे हो अभी, व्यवहार को बोझ बनाकर। व्यवहार को बोझ बनाकर, व्यवहार को तुमने, व्यवहार भाषियों ने खत्म किया है, ज्ञानियों ने कभी व्यवहार को खत्म नहीं किया, ज्ञानियों ने व्यवहार को साधन बनाया और अज्ञानियों ने बोझ बनाया। अब आप साधन कब बोझ बन जाता है, इसका एक सिंपल दाखला आपको बता दूं। जैसे अभी बारह संडे को हुई थी ना, संडे को, अब कार है ना, कार साधन है ना, एक जगह जाने का अंकित भाई, एक जगह दूसरी जगह। अब आप संडे के दिन निकले हो, निकले थे, नहीं निकले तो अच्छी बात है, बराबर। अब 7-8 बजे आप निकले अपने साधन के साथ, अब वो साधन बीच रास्ते में बंद हो गया, अब बताओ वो साधन हो गया कि बोझ? छोड़ के भी नहीं जा सकते अब उसका, तब आपको बार बार ख्याल में ये आवे कि लेके ही नहीं गए होते तो अच्छा रहता, आराम से पैदल कहीं से भी निकल जाते। अब बीच रास्ते में खड़ी हो गई वो, इतना पानी तक, अब वो क्या बन गई कार? बोझ बन गई। अब आपको क्या लग रहा है कि कार लेकर आना अच्छा कि नहीं लेकर आना अच्छा? कल तक जो साधन, कल तक क्या, 1 घंटे पहले तक क्या थी? साधन। क्यों? आगे के डेस्टिनेशन तक ले जा रही, अब बिगड़ गई तो क्या हो गया? बोझ। ये सब अज्ञानी खगड़दज व्यवहार की कार को लेकर बैठे हैं, जो खड़ी है खटार, अब वो ना हिल पा रहे ना डुल पा रहे। मेरे घर के आगे वो बड़ी महंगी वाली कार होती है, मॉरिस गैराज, वो कितनी महंगी आती ना काफी, वो पड़ी बीच में 3 दिन तक पड़ी है। अब बेचारा परेशान, यहाँ से वहाँ सामान लेके हमारी बिल्डिंग में आया, बराबर बार बार चक्कर ला रहा, 2-3 दिन के बाद कल उठ के गई वो, 3 दिन तक पड़ी थी। आप बताओ, अब बोझ के मतलब उस क्षण वो व्यवहार से बंद जाता, ना छोड़ के जा पा रहा और ना आगे जा पा रहा। ऐसा हो रहा है हम सब लोगों का व्यवहार, कैसा हो रहा है भाई? ऐसा कि ना उसमें साधन बना तो रहा नहीं, क्योंकि ईंधन ही नहीं, काम ही नहीं कर रहा फंक्शन, और बंदे ऐसे कि छोड़ के जाए तो जाएगा, और ज्ञानी के यहाँ व्यवहार कैसा होता है? बुलेट ट्रेन के जैसा होता है। इसलिए ज्ञानी ज्यादा व्यवहार में अटकता ही नहीं, क्योंकि वो अल्प व्यवहार में महान साधन कर लेता है। जिसका शरीर स्वस्थ हो एक खुराक लेता है ठीक हो जाता है, और जिसका शरीर अस्वस्थ हो
वो एक गोली लेता है तो दूसरा फंक्शन बिगड़ता है, उसको सुधारने के लिए तीसरी गोली लेता है तो चौथा वजन बढ़ गया तो डॉक्टर ने बोला चलना चालू करो, चलना चालू किया तो घुटने में दर्द चालू हो गया। अब घुटने के दर्द के कारण तो दूसरे डॉक्टर ने बोला कि बैठो, अब एक बार डॉक्टर बोल रहा है कि चलो, दूसरा डॉक्टर बोल रहा है कि बैठो, अब करे तो करे क्या, एक कह रहा है चले नहीं तो कोलेस्ट्रॉल जम जाएगा मर जाओगे, दूसरा कह के अगर चले तो घसारा हो जाएगा। अज्ञानी का व्यवहार ऐसा है, व्यवहार नहीं है वो, क्या है बोझ, फंस गया है ना, ऊपर जा पा रहा है ना छोड़ पा रहा है। और ज्ञानी का व्यवहार कैसा है, साधन, पटाक से आपको अगले स्टेशन पे पहुंचा दे। भरत चक्रवर्ती द्रवलिंग धारण किया अंतर्मूर्त में और केवल समझ में आया, इसलिए बात को गहराई से समझना। कैसा अंधकार बोला, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस अज्ञान अंधकार को मिटाने के लिए कैसा क्या करना, ज्ञान का दीप जलाना करना, वरना सब बाद में आएगा। पहले नंबर निर्णय करना, ये अगर आप गुरुदेव की पद्धति को सही तरीके से समझना चाहते हो तो शू करूँ और प्रश्न ना करूँ, जो ये सौथी पहला काई करी शकतू नथी आवु निर्णय करवू जो लोग ये क्या करे क्या करे, तुम समझे ही नहीं, ना समय सार को समझे ना स्वभाव को समझे, बस अपनी मान्यता से धर्म समझना चाहते थे, धर्म तुम्हारी मान्यता में नहीं आएगा, धर्म के अपने पैरामीटर है, तो मान्यता में नहीं है, धर्म के अपने पैरामीटर। जैन धर्म त्याग प्रदान, त्याग प्रदान नहीं ज्ञान प्रदान, और ज्ञान में ज्ञान ही त्याग है समझो। अब लोगों ने बोला अरे जैन धर्म तो त्याग प्रदान है, त्याग प्रदान, जैन धर्म को जो त्याग प्रदान कहता है वो जैन धर्म को समझे, ये पता कौन बोल रहा है, ये अन्य लोगों की बातें बोल रहा है, अन्य लोगों को ये सब बाहर का छोड़ना छोड़ना दिखाई देता है, बराबर, क्या दिखाई देता है, बाहर का छोड़ना, ये छोड़ दिया वो, जो अन्य लोगों को यही दिखाई देता है, बराबर। अब वो उन्हीं की बातें पढ़कर अपनी बात बोल रहा है, जैन धर्म त्याग प्रदान है ही नहीं, जैन धर्म ज्ञान प्रदान है, और ज्ञान को ही त्याग कहा जाता है। राणम ये पचक खाणम, जब मैंने अपने आप को जान लिया कि मैं अपने में हूं पर मैं नहीं, तो अपने में जम गया, और अपने में जम गया इसी को बोलते पर का त्याग हो गया। लेकिन हमें क्या, जगत में भारत की संस्कृति है, त्यागियों की महिमा होती है, बराबर, किसकी महिमा होती है, त्यागियों की, तो हमें अपनी महिमा करानी है ना, इसलिए वो बोलते हैं त्याग प्रदान है, तो हम भी मानने लगते हैं कि हम यहाँ बड़े त्यागी हैं। जैन धर्मी जो सच्चा, हम कहाँ त्याग करते हैं भाई, हम त्याग करते ही नहीं, त्याग कर सकते नहीं, गजब बात है भाई, गजब बात है। सारा जगत तुम्हें जिस बात को लेकर महिमा मंडित करता है, एक एक एक, एक सामान्य से मनुष्य से आप पूछोगे जैनों के बारे में, ना बापा ये तो बहुत कठिन कठिन कठिन, आओ हम अगुरु आचरण करें, अगुरु आ छोड़ी ना, ना 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 छोकरो आम पहलो करे, कांदा बटाका नहीं खाए, आम नहीं खाए, तुम्हारा धर्म बहुत त्याग प्रदान, त्याग बराबर त्याग प्रदान है ना, अरे रे रे कौन किसका त्याग करे, त्यागने के लिए ग्रहण जरूरी है, ग्रहण पूर्वक त्याग होता है, जिसका ग्रहण ही ना हो उसका त्याग, ये बात समझना जैन धर्म। लेकिन वही कहना बुद्धि पड़ी ना यश लेने की, धन से यश लेता है, कमा कर यश लेना चाहता है तो ऐसे छोड़ कर यश लेता है, भोगी भोगियों के बीच में अगर हो तो यश लेना हो तो भोगी कैसी बातें करता है, अरे हमें तो भाई
આપણે તો ગમે તેમ પરિસ્થિતિ હોય, સેટરડે સન્ડે એટલે પાક્કું બહાર જવાનું તો જવાનું જ, પાણી આવે વરસાદ આવે આંધી આવે તુફાન આવે આપણે જવાનું, એટલે મને અત્યારે ના પાડો છું મને ખબર છે, પણ જ્યારે તમે ચાર ભેગા થશો ને એ મંદિરના નહીં બહારના ત્યારે આવી જ વાતો, બીજું કે હા યાર જીવન આવો જ જીવો છે, ગમે તેમ હોય આપણે તો જલસા તો કરી જ લેવાના, આવું વાત કરે અને પહેલા ને જોર આવે તો પછી ઓર વધારે, આપણે પહેલે દિવસ પિક્ચર આવે એટલે જોઈ જ લેવાની, પછી ઓર જોર વધે, નવી ગાડી આવે એટલે પડાવી લેવાની એ ગાડી, મોબાઈલ એટલે પછી એનો જોર ક્યાં વધે, ભોગીઓ વચ્ચે ચર્ચા કરે ને તો વધારે ભોગું છું વધારે ભોગું છું વધારે ભોગું છું આમ વધારે ભોગું છું એમ ભોગું છું કઈ કઈ ને યસ લે, જ્યારે થોડા ઘણા સ્વાધ્યાય વચ્ચે આમ ધર્માત્મા વચ્ચે હોય ને તો મેં આ છોડી દીધું મેં આ છોડી દીધું મેં આ છોડી દીધું આમ છોડ્યું છું છોડું છું આમ કરીને યસ લે, એને લેવું શું છે, ભોગીઓ વચ્ચે ભોગની વાત કરીને યસ લેવું છે, ઓર સો કોલ્ડ ધર્માત્માઓ વચ્ચે છોડું છું છોડું છું છોડું છું એ છોડવાની વાત કરીને એને શું લેવું છે, બંને એક સરખી ભૂલ કરે છે બંને, તમને આ વાત અઘરી લાગશે, એક તો ભોગે છે એક છોડે છે પણ બંને સરખા કેવી રીતે, કેમ કે બંનેમાં આત્મ સ્વરૂપનો એક સરખો અજ્ઞાન છે, બંને આત્મ સ્વરૂપ એક જૈસા અજ્ઞાન હૈ, દોનોને આત્મ સ્વરૂપ કો નહીં જાના દોનોને, ઓહ જ્ઞાની કહે રહે હમ સિલેક્શન બાદ મેં કરેંગે દિયા પહેલે જલાએંગે, અજ્ઞાની કહે રહા દિયા જલાને કા કષ્ટ કોન કરે, પહેલે સિલેક્શન કર લો જો હાથ આયે નિકલ, અરે ભાઈ જો હાથ આયે તો પથરા આયેગા, જો હાથ આયેગા તો ક્યા આયેગા પથરા આયેગા, જ્ઞાન કા દિયા જલાઓગે તો રત્ન હાથ આયેગા, થોડી મહેનત કરો રત્ન દિયા જલાને મેં, નહીં નહીં ઇતના ટાઈમ તો અપને સે હોતા નહીં તો લે જાઓ પથરા, ઘૂમો પથરો કા બોજ લેકર ચાર ગતિ 84 લાખ યોગી, સમજ મેં આયા, ધર્મ કે નામ પર પથ્થર મત ચુનો, આચાર્યો ને પથ્થર કો ધર્મ નહીં કહા રત્નત્રય કો ધર્મ કહા, ઓર એ અહંકાર કા ભાવ માં અંધકાર હૈ, ઇસીલિયે પહેલે જ્ઞાન દીપ દે લો, હા દેખ અને દુર્નિવાર છે, એટલા માટે મહેનત કેમ કરું છું કે દુર્નિવાર છે, આમ બહારની વાતો ફટાફટ ઉતરી જાય સરસરાટ, કોઈ પહેલે દિન ભી પ્રવચન મેં આયા હો ને ઓર ઉસકો બોલો કે પાણી છાનકર પીના ચાહીએ કાંદા પટાકા નહીં ખાના ચાહીએ બરાબર, દેખ દેખ કર ચલના ચાહીએ સોચ વિચાર કર બોલના ચાહીએ માં બાપ કી સેવા કરની ચાહીએ પ્રેમ સે રહેના ચાહીએ, હર બાતે ઉસકો ફટાફટ ઉતરતી જાયેગી વિથાઉટ એની પ્રિપરેશન, ઉપદેશ કે નામ પર અગર એસી બાતે બોલી જાય તો સટાસટ ઉતર જાતી એકદમ બિલકુલ, ક્યુંકી ફેમિલિયર હૈ ઉસે, એક્ચ્યુઅલી પતા તો હૈ ક્યા કરના હૈ બસ કિસી સે કહેલવાના ચાહતા હૈ, ઇસીલિયે ઉસે ઉતર જાતા હૈ, હમ જૈનો મેં કિસકો યે પતા નહીં હૈ કે ન્યાય નીતિ વિવેક અહિંસા સત્ય સંયમ આદિ ઇનકા પાલન કરના ચાહીએ, તો હમે આધા તો પતા હી, બસ પ્રવચન કરને વાલા જો પતા હૈ વોહી કી વોહી બાત બોલ દેતા હૈ ઓર ઉસે જિસકો સુનના હૈ સુનતા હૈ સમજના હૈ સમજતા હૈ થોડા બહોત અમલ મેં લાના હૈ તો લાતા હૈ, ઉસે વો બાત સમજ લગતી, ક્યું કે અનાદિ સે યહી સુનાયા, લેકિન મેં કુછ કર સકતા નહીં કર સકતા નહીં યે બાત સુની નહીં, ઓર ઇસીલિયે જબ કોઈ સમજદાર કો સુનતા હૈ તો હિલ જાતા હૈ, અરે કુછ કર સકતા નહીં વ્રત પાલન નહીં કર સકતા સમય યે નહીં કર સકતા પાપ છોડ નહીં સકતા, ઓહો યે તો સબ ધર્મ કા સત્યાનાશ કર રહે, અરે ધર્મ કા સત્યાનાશ નહીં કર રહે ધર્મ કી સત્તા સ્થાપિત કર રહે, સચ્ચા ધર્મ અકર્તાવાદ કી નીવ પર ખડા,
सच्चा धर्म ज्ञायकवाद पर है, वस्तु स्वरूप की समझ पर है, और जिसे हम धर्म मान रहे हैं वो तो धर्म है ही नहीं। दिया जलाओ, क्या जलाओ? और समझ रहे हो ना, अकेले घर में शांति से शांत पवन में दिया जलाना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन भयंकर भवंडर हो तब दिया जलाना, ये पंचम काल, हीन काल, पुरुषार्थी लोगों का संयोग, बराबर। ऐसे में हमें ज्ञान दीप जलाना आसान काम है, इसलिए आचार्य बोले दुर्निवार। क्या है? ज्ञान समान नान जगत में सुख को कारण, यही परमामृत जन्म जरा अमृत रूप। छेड़ाला बहुत सुंदर है, इसी छेड़ाला से याद भी आएगी, वो मेरे पास सुरेश भाई का फोन आया था, बाद में भूल जाऊंगा इसलिए कह देता हूँ, कि वो जो 17 तारीख का शिविर कर रहे हैं ना, उन्होंने 2-3 बार फोन किया है कि जिन जिनको भी रजिस्ट्रेशन करवाना है बराबर, वो सब उनकी व्यवस्था है, भोजन की व्यवस्था। बोले कि भोजन में तो जितने आए तो चलेगा, लेकिन हॉल की तो लिमिटेशन है ना, 300-400 लोग उस ज़्यादा हॉल में आ नहीं सकते, और 250-300 रिजर्वेशन हो चुके हैं, इसलिए सब लोग जिन जिनका बाकी हो वो करवा लें। वहाँ पर किसकी चर्चा चलेगी? छह डाल की चौथी ढाल, चौथी डाल की कंप्लीट एक सिलेबस से पूरा वो करवाया है। तो करवा लेना भैया, है ना। वैसे आज ही बोलने वाला था प्रवचन के बाद, लेकिन बीच में प्रकरण आया तो बीच में, बराबर समझे कि नहीं समझे? तो ये दिया जलाना यहाँ पर है, और दुर्निवार है ये दिया जलाना है। क्यों क्यों दुर्निवार है? जैसे बोला ना, पवन हो जोरदार और दिया जलाना हो तो कितना मुश्किल, कला चाहिए। ऐसे ही पंचम काल में जब चारों तरफ कर्तृत्व की पल कहते हैं आंधी चल रही, जिसको देखो मैंने किया मैंने किया मैंने किया, हर आदमी मतलब 2 मिनट बैठो तो कर्तृत्व की ओड़कार सुनाई देती। मैं रियल बोल रहा हूँ, 2 मिनट भी किसी के पास बैठो तो गणु करियो, सब अपना ट्रैक रिकॉर्ड लेकर बैठे। मैंने घर गृहस्थी में बहुत किया, मैंने समाज के लिए बहुत किया, मैंने परिवार के लिए बहुत किया, मैंने अपने शरीर के लिए बहुत किया, मैंने धर्म के लिए बहुत किया। ओ हो, 2 मिनट में जो ऐसी कुपच है ना अंदर में कर्तृत्व की, कि हर सेकंड उड़कार आती है। अरे रे रे, दिया जलाओ, मैं कुछ कर सकता नहीं, ज्ञान का ऐसा प्रकाश फैलाओ, उस प्रकाश में वस्तु व्यवस्था को देखो, तुम देखोगे कि ये अज्ञान और अंधकार और मोह पिघल रहा है, जीवन सरल बन रहा है, सहज बन रहा है। मुश्किल है, लेकिन कुछ ही ऐसे रसिक होंगे, मतवाले होंगे, जिनमें हिम्मत होगी कि नहीं 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 भाई, मैं कहाँ कुछ करता हूँ, मैं तो होता हूँ, जानता हूँ, ये स्वभाव की बात, मैं करता हूँ, ये देखो। एक एक हमारे हिंदी में कहावत आती है, मैं बकरी करे गला कटाए जाए, क्या बोला अभी निकली ना बकरी, बकरी ने गला क्यों कटाया, क्या करती थी? मैं तो जो जहां जहां पे मैं करेगा ना, मैं बकरी करे गला कटाए, समझे ये समझ लो कि जहाँ जहाँ पे भी मैं लाओगे बस आपकी बकरीद आने वाली, जब चाहे जब हलाल हो जाओगे। इसलिए मैं को छोड़ो, कोई मैं हूँ कौन, मैं होता हूँ बस, मैं होता हूँ और जानता हूँ।
मैं होता हूँ और जानता हूँ। अस्तित्व गुण से होता हूँ, द्रव्यत्व गुण से बदलता हूँ और ज्ञान गुण से जानता हूँ। क्या बोला? और सब लगा लेना, अभी मैं बहुत कम शॉर्ट लगा, बाकी तो मेरे पास बहुत सारे काम है। कर्तापना का अगर डिपार्टमेंट मेरे से लिया तो मैं जॉबलेस नहीं हो गया, बेरोजगार नहीं हो गया, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे काम है। कौन से काम? अस्तित्व गुण से मैं होता हूँ, वस्तुत्व गुण से मेरा एक प्रयोजन है, द्रव्यत्व गुण से मैं बदलता हूँ, बराबर प्रमेयत्व गुण से मैं जानने में आता हूँ, अग्रुलोकत्व गुण से मेरा एक बंधारण होता है, प्रदेशत्व गुण से मेरा एक आकार है, ज्ञान गुण से मैं जानता हूँ, दर्शन गुण से मैं देखता हूँ, चारित्र गुण से मैं सुभाषुभ जो रूप हो रहा है परिणमित होता हूँ। कितने सारे काम है मेरे पास। अब तुम सबको भूल कर एक कर्ता अपने कोई मुख्य करो तो तुम्हारी भूल है। आचार्य कोई नवरे थोड़ी कर रहे, तुम नवरे हो सकते ही नहीं। देख अत्यंत दुर्निवार छे अने पछी केवो छे अनादि संसार थी चाल्यो आ रहे छे। क्या क्या है? चलता आ रहा है, चलता आ रहा है। कब से? अनादि। ये करोगे तो ऐसा होगा, वो करोगे तो वैसा होगा, कोई कहते ही नहीं कि जैसा होना होगा वैसा होगा। अनादि से जितनी भी भाषा बनी, प्रेरणा बनी, उपदेश बने, सब किसके बने? कर्तृत्व के ऊपर बने, अनादि से चलता है। आचार्य कहे छे अहो परमार्थ नैनु अर्थात शुद्ध द्रव्यार्थिक अवेद नैनु ग्रहण करवा थी। एक बार शुद्ध द्रव्यार्थिक नैनु ग्रहण करे अन्यथा एक बार पण नाश पामे, सुनाश पामे अज्ञान नो अंधकार। शुद्ध द्रव्यार्थिक नय का दिया जला, शुद्ध स्वभाव का दिया जला और कर्तृत्व का अंधकार। अब एक बार आपका अंधकार नष्ट हो गया और आपको कमरे में दिख गया कि ये पत्थर, ये गोबर, ये विष्ठा और ये रत्न, तो कौन मूरख होगा? कौन मूरख होगा जो रत्न को छोड़कर पत्थर को ग्रहण करेगा? कोई है? ज्ञान का दिया जलने पर सब ग्रंथियां खुल जाएंगी, सब वस्तु बली बली भांति दिखने लगेंगी और तब कोई इन जड़ता की प्रीति नहीं करेगा, तब कोई इस जड़ता के प्रति अनुरक्त नहीं होगा कि अरे इसमें है क्या। थोड़ा सा भी कोई व्यक्ति विवेकी हो जाए तो ये सारी सो कॉल्ड सोफिस्टिकेटनेस की धूल दिखाई देने लगती। ये सब अच्छे कपड़े पहन पहन के घूम रहे क्या फायदा, अच्छे घरों में रह रहे क्या फायदा, अच्छी गाड़ियों में घूम रहे क्या फायदा, एक सेकंड में पता चल जाता। अब जैसे ये कोई गांव में रहा हो, उसने कभी मुंबई ना देखा हो, अब अरे दुबई में एक बिल्डिंग, एक किलोमीटर ऊंची बिल्डिंग ना, इतना बड़ा मॉल ना, ये मॉल, अब वो एकदम ललचा रहा। लेकिन जो वहां रह रहा है उसे तो पता ना क्या है, क्या फायदा है। सेम बात है ना, हर जगह जो जिस चीज, मतलब ये सब चीज दम है ही नहीं, उनकी दम केवल इतनी कि वो आपको मिली नहीं। फैक्ट, संसार की वस्तु कब तक अच्छी लगती है? मिली नहीं, और जैसे ही मिल जाए एक ही उत्तर आता है, क्या फायदा? कुछ नहीं। और आत्मा मिली तो अनंत काल तक कहेगा वाह क्या फायदा है। पहले में क्या बोलते हैं? क्या फायदा है, क्या फायदा होगा, बारंबार फायदा है। जितनी बार अनुभव करे उतनी बार फायदा। अनादि की सारी पीड़ा एक अनुभव से मिटाने वाली ये चैतन्य संजीवनी सहज उपलब्ध है। लेकिन ज्ञान का दिया जले तब, देखो एक बार नाश पामे तो ज्ञान घन आत्मा परिबंधन केम था है। मैंने वाव कहो तो खरा, कौन बधाए? जारे इन्हें खबर पड़ी गई कि कर्तापणू छूट्यू तो ज्ञान नो एवो आनंद मळ्यो, एवो आनंद मळ्यो, एवो आनंद मळ्यो कि जेवो आनंद सिद्धों ने छे
जीव आनंद अरंतों ने छे, जीव आनंद हालता चालता भगवान एवं मुनि भगवंतों ने छे, जेना बल थी आखो संसार जे समुद्र प्रमाण छे ये आत्मज्ञान ना बल थी बिंदु प्रमाण थई जाए एवं आनंद मळे तो पछी बीजू कोई क्या जाए। समझा कि नहीं समझा? ये वस्तु छे बंधन जीव ज्ञान गन छे माटे यथार्थ ज्ञान थया पछी ज्ञान क्या जतु रहे ना जाए, अने जो ज्ञान ना जाए तो फरी अज्ञान थी बंध क्या थी अज्ञान जन्य जे बंध छे एनो भेद ज्ञान ना बलती ज्यां सुधी एनी खुमारी रहे त्यां सुधी निवारण थतो रहे छे थतो रहे छे थतो रहे छे। बराबर समझा कि नहीं समझा? एज वस्तु अहीं लीधी विशेष चकाला।